दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी के एंड्रॉयड फ़ोन पर उसकी कॉल की डिटेल्स को देख सकते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसने एक महीने के अंदर अंदर किसे कॉल किया है। आप इस एप्लीकेशन की मदद से जो है एक पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, जिस पीडीएफ में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक का देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है मबल ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी पसंद की भाषा को सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। दोस्तों परमिशंस को अलाउ करने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है जिसकी भी कॉल डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, यानी कि जिस फ़ोन में भी आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उस फ़ोन में जो भी सिम कार्ड है और जिसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर एंटर आपको कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें इसे परमिशंस देनी होगी अपनी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से। तो मैं यहाँ पे गिव परमिशन पे क्लिक करता हूँ और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आप मोबाइल बैलेंस चेकर ऐप को जो है परमिशंस को अलाउ कर दें। दोस्तों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से परमिशंस को अलाउ कर देने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके दोनों सिम दिखाई दे रहे होते हैं, जिनकी भी डिटेल्स आपको लेनी होती है आप उस सिम पे स्विच करें। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बिल पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप बिल पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ से एक टाइम रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर आप 7 दिन तक का बिल देखना चाहते हैं यानी 7 दिन तक की कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप 7 दिन को सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पे लास्ट 30 डेज तक की जो डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है गेट बिल बाई ईमेल, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास एक ईमेल पहुंच जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरह का ईमेल आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। यहाँ पर आपको एक उसमें पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो सिंपली आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल आ गई है ईमेल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मेरी कॉल डिटेल्स आ गई है। सारी कॉल डिटेल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे मैंने किसे किसे कॉल की और कितने टाइम मैंने उससे बात की, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के हम और फीचर्स की बात कर ले तो आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितना डेटा यूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप यूजेस, यानी कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को कितने टाइम तक यूज किया है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे ही आप यहाँ पर अपना डेटा यूजेस देख सकते हैं कि आपने कितना डेटा किस दिन यूज किया है और आपका एवरेज डेटा यूजेस क्या है। इस तरह की और भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप जिस सिम पर यूज करेंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपना जो है बैलेंस भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए आपका बैलेंस जो है डायरेक्टली शो हो जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसे सिम कार्ड यूज करते हैं इसका बैलेंस चेक करने की आपको जरूरत पड़ती है तो सिंपली आप यहाँ पर अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने डेटा का यूजेस वगैरह चेक कर सकते हैं और उस पर आपको अलर्ट भी मिल जाएगा अगर आप डेटा लिमिट से ज़्यादा यूज कर रहे होंगे। और उसके बावजूद यहाँ पे आप अपने सिम कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ओवरऑल एक ही एप्लीकेशन है जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो सिंपली आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाते हैं जो कि आपके डेटा और आपके जो है बैलेंस की अच्छी खासी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अपने अगले